कर्क राशि आज का राशि फल यानी कि 23 नवंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क तुला स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए आज का उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को फॉलो करके आप अपने आज के दिन को अच्छा बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं। आज तिथि है द्वादशी, नक्षत्र है हस्त और पक्ष है कृष्ण पक्ष। आज दिन है शनिवार और सूर्योदय होगा आज 6:49 में और सूर्यास्त होगा 5:24 में। चंद्रोदय होगा 4:03 अगले दिन और चंद्रास्त होगा 3:18 में। उसके बाद आज दिन है 10:35:18 का और अभी महीना चल रहा है मार्गशीर्ष का यानी कि अगहन महीना। आज आपके लिए शुभ समय है 11:46 से लेकर 12:28 के बीच में। अगर आज आप कोई शुभ कार्य करते हो तो वो आप इस अवधि में करो, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और अशुभ काल है 6:49 से 8:14 तक। तो इस अवधि में आप कोई शुभ कार्य ना करें, यह आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। और राहु काल है 9:28 से 10:47 के बीच में और दिशाशूल है पूरब की ओर। तो ये था आज का पंचांग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए या आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी और अगर कॉल करते हो तो बात नहीं हो पाएगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामान्य है, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। इसलिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर आज आप खास ख्याल रखें। और आज अगर आप जज्बाती बनते हैं, जज्बात पर आप काबू नहीं पाते हैं, फिर आज के दिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहेगा। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने जज्बात पर आप काबू रखें, फिर आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, क्योंकि जज्बात के वजह से आपके मन में एक डर आ जाएगा और उस डर के वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब है धन संपत्ति। दोस्तों, इस लिहाज से भी आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अगर आप फालतू खर्च ना करते हो तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। और अगर आप बिना सोचे बिना विचारे धन खर्च कर देते हो फिर आज के दिन आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी और उसका सामना करने के लिए आप तैयार रहें। अगर आज आप धन खर्च करते हैं तो वो आप हिसाब से करें और वो ज़रूरत के मुताबिक ही करें। अगर आप फालतू खर्च करते हैं फिर ये बेहतर नहीं रहने वाला है। तो अब है आपका पारिवारिक जीवन, जो कि आज ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये भी आज सामान्य ही है। आज आपके घर में कभी बहुत अच्छा माहौल रहेगा और कभी घर का माहौल थोड़ा बहुत खराब भी हो सकता है। तो घर के माहौल को आप संभालने का प्रयास करें। अब है आपका प्रेम संबंध। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने कर्क तुला स्पेशल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटे को ऑन कर लें और वो अभी ऑल पे ऑन करें। अगर आप ऑल पर सेट कर लेते हो तो मेरी जो भी नई वीडियो आएगी, दैनिक राशिफल की जो नई वीडियो आएगी, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो आप सब्सक्राइब कर ही लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे आप एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आइए जानते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। दोस्तों, प्रेम संबंध के लिहाज से आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, शानदार है। आज आपके प्रेमी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है आपके प्रेमी का प्यार सच्चा प्यार हो, तो उनके प्यार को आप इग्नोर ना करें और उनका आप वैल्यू दें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत फिर ना झेलनी पड़े। वैसे वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी आज का दिन बेहतर रहेगा। तो आज आपके लिए उपाय ये है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति अपने घर में रखें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके दिन को शानदार बना देगा। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, भारत माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, जय माते।